प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला हमीरपुर मुख्यालय में गांधी चौक पर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। इस धरने में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अनिता वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन भारती, पार्षद देवीदास सहनसा, राजेंद्र वर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। धरने के दौरान बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त की गई और पीएम मोदी पर महंगाई को रोकने में असफल होने के आरोप लगाए। बाद में कांग्रेसी पदाधिकारियों ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के राज में पिछले 3 सालों से महंगाई चरम पर है और इस कारण आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने समय में महंगाई को रोक पाने के लिए असमर्थ साबित हो रही है। ठाकुर ने कहा कि अगर महंगाई कम ना हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। ये जो धरना है, जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर जिला में मुख्यालय पर धरना दे रही है, जो केंद्र सरकार ने जब सत्ता में आई, 3 साल पहले जब सत्ता में आए थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े झूठे वायदे किए थे लोगों के साथ कि महंगाई कम करेंगे, परंतु आज देख रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन स्तर बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कुछ ही महीनों के में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा उसका बोझ पड़ रहा है। और जब भाजपा की सरकार केंद्र में सत्ता में आई थी, उन्होंने आने से पहले लोगों को कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, परंतु ना तो आज तक किसी को कोई रोजगार के कोई नए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएगी जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। ना ही आज जो आप महंगाई है वो एक चरम सीमा पर है, चाहे वो दालों के भाव हैं, चाहे गैस सिलेंडर्स के भाव हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के भाव हैं, जिससे आम जनता को इसके काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इनके ऊपर। देखिए, अभी तक अगर केंद्र सरकार ने जल्दी ही इसके ऊपर अगर महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं की गई तो कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतरेगी और इसका जो है विरोध जो है वो जारी रहेगा। आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जिला मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले कल में अगर इस तरह से केंद्र सरकार अपनी नीतियां अपनाती रहेगी तो केंद्र सरकार का, भाजपा की सरकार का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं केसीसीवी वाइस चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने कहा कि पीएम मोदी महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय विदेशों के दौरों पर मस्त हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने के सामान के दामों में इजाफा करके जीना दुर्भर बना दिया है। सरकार की तरफ से ना प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से यह आह्वान है कि आज पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर धरना दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो वर्तमान पे केंद्र में सरकार चली हुई है और जिस तरह उन्होंने लोगों के वायदे किए थे, लोगों को सपने दिखाए थे, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उससे बिल्कुल 100% उसके खिलाफ जा रही है। ना इनसे महंगाई कंट्रोल हुई, ना इनसे उग्रवाद कंट्रोल हुआ, ना इनसे देश की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा आगे कदम बढ़ाया, सिर्फ अपनी ये मौज मस्ती में मस्त हैं और प्रधानमंत्री जो है वो फौज के टूरों में ग्रस्त हैं।